आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी, पाठ नंबर 3 बुद्धि का बल, यानी बुद्धि में कितनी ताकत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। उन्होंने अपना घोंसला वृक्ष की एक डाल पर बनाया। उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए। पति पत्नी दिन भर जंगल में दाना चुगने जाते और रात को उस घोंसले में आकर आराम करते। दोनों आकर आराम करते, यानी किसी जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता, मतलब पति और पत्नी, नर और मादा चिड़िया रहती थी, और उन्होंने जो है वो अपना घोंसला एक पेड़ की एक डाल पर बना दिया। अब उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दे दिए। अब पति पत्नी जो थे वो दिन भर जंगल में दाना चुगने के लिए जाते और रात को उसी घोंसले में आकर आराम करते। पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। वह मौका पाकर ऊपर चढ़ता और चिड़िया के सब अंडे खा जाता था। अब पेड़ के ऊपर तो चिड़िया रहते थे और पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था, और वह मौका देख करके, मतलब दिन भर वो पति पत्नी बाहर जाते चिड़िया दोनों, तो मौका देखकर वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ता और चिड़िया के सब अंडों को खा जाता था। ऐसा दूसरी बार हुआ था। बेचारे पति पत्नी बहुत दुखी हुए। चिड़िया ने चिड़े से रोते हुए कहा, हाय मेरे अंडों को हर बार ये दुष्ट खा जाता है। अब कुशल इसी में है कि हम इसी पेड़ को छोड़ दें, क्योंकि ये सांप हमेशा कष्ट देता रहेगा। तो ऐसा दूसरी बार हुआ था कि बेचारे पति पत्नी बहुत दुखी हो गए थे। अब चिड़िया ने तो ऐसा दूसरी बार हुआ था बेचारे पति पत्नी बहुत दुखी हो गए थे अब चिड़िया ने चिड़े से रोते हुए कहा कि हाय बार बार ये मेरे अंडों को दुष्ट खा जाता है। अब हमारी भलाई इसी में है कि हम इस पेड़ को छोड़ दें, क्योंकि ये सांप हमेशा हमें तकलीफ देता रहेगा। चिड़े ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अरे तुम क्यों घबराती हो। अब चिड़िया जो था उसने उसको धैर्य रखने के लिए कहा कि भाई तुम क्यों टेंशन लेती हो, हम शरीर से चाहे इस सांप से कमजोर हैं, परंतु बुद्धि के बल पर हम इसे मार सकते हैं। मैं आज ही इसको मारने का कुछ उपाय करता हूँ, तुम चिंता मत करो। उस जंगल में कुछ ही दूरी पर एक सुंदर उपवन था। वहाँ एक नदी भी बहती थी। उस देश की रानी प्रतिदिन अपनी सहेलियों के साथ वहाँ नहाने के लिए आती थी। तो अब चिड़िया ने कहा कि भाई हम चाहे शरीर से जरूर इस सांप से कमज़ोर हैं, लेकिन हम बुद्धि के द्वारा हम इसको मार सकते हैं। अब आज इसको मारने के लिए मैं कुछ न कुछ आइडिया करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अब उसी जंगल में थोड़ी सी दूरी पे एक बहुत ही सुंदर बगीचा था, और वहाँ पे एक नदी भी बहती थी। उस देश की रानी जो थी वो प्रतिदिन हर रोज उसकी सहेलियों के साथ वहाँ नहाने के लिए आती थी। रथ से उतरकर अपने बहुमूल्य गहने उतारती और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखकर सात सखियों के संग नहाने चली जाती। अब रानी प्रतिदिन वहाँ पे स्नान करते आती और अपने रथ से उतरती और अपने जो कीमती जो गहने थे वो उतारती और एक सुरक्षित जगह पे रखती और अपने दोस्तों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में वो उसमें नहाने जाती। अगली सुबह चिड़ा इसी अवसर की ताक में था। उसने रानी के गले का कीमती हार चोंच से दबाया और वहाँ से उड़ चला। रानी के सेवकों ने हार ले जाते हुए चिड़े को देखा तो लाठियाँ लेकर उसके पीछे दौड़े। अब रथ से उतरे तो अपने बहुमूल्य जो हैं उसने गहने उतार दिए। अब उतारने के बाद में वो नहाने के लिए चले गए। अब अगली सुबह
छीड़ा जो था वो इसी मौके की फिराक में था कि कब वो रानी आए और कब अपने बहुमूल्य जेवर वगैरह उतारे। तो उसने उतारा और फिर रानी के गले का कि जो कीमती हार था अपने चौस में दबाया और वहाँ से उड़ गया। अब रानी के सेगों ने उसको हार लेते आते हुए देख लिया और फिर छीड़े के पीछे लाठियाँ लेकर दौड़ चले। छीड़े ने वह हार सांप के बिल में गिरा दिया और दूर बैठकर तमाशा देखने लगा। रानी के सेवक उसी वृक्ष के पास आ गए। अब चीड़े ने वह जो हार चुराया था वो सांप के बिल में गिरा दिया और दूर बैठ करके तमाशा देखने लगा कि अभी इसके साथ क्या होगा। अब रानी के सेवक उसी पेड़ के पास आ गए। उन्होंने सांप के बिल में हार पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बिल में वह सांप भी नजर आया। तत्काल उन्होंने अपनी अपनी लाठियों से सांप को मार डाला और हार लेकर वापस लौट आए। अब क्या हुआ, अब सांप के बिल पर जैसे ही उन सेवकों ने देखा कि भाई हार तो सांप के बिल के ऊपर पड़ा है, तो उन्होंने उनको फिर वो बिल के अंदर सांप भी दिखाई दिया। अब उसी समय उन्होंने अपनी अपनी लाठियों से सांप को मार डाला और अपना हार लेकर के चले गए। अब छीड़ा छीड़िया बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुद्धि के बल पर अपने शक्तिशाली दुश्मन सांप से सदा के लिए छुटकारा पा लिया था। अब चिड़िया और चिड़ी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ताकत के बल पर नहीं बल्कि बुद्धि के बल पर अपने शक्तिशाली दुश्मन सांप जो था उसे हमेशा के लिए उन्होंने